Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So today I explain chapter number 2, part 2. हम लोग पहले SS में जो है primitive years मतलब आदिम journey to now मतलब पहले के जो प्राचीन काल से लेके अभी तक का जो journey था उसके बारे में उन्हें पढ़ा था. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग वो पहले हम लोग ने देखे थे इस चैप्टर में कि आदिम काल में लोग क्या खाते थे, कहाँ पे रहते थे, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो क्या क्या करते थे और तब से लेके आज तक के सफ़र में उन्होंने क्या किया है. तो वो जो सब चीज़ है आज हम लोग यहाँ पे जाने हैं और आगे इसके बारे में और भी कुछ जानेंगे. तो डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस, कैसे उन लोगों ने आँख का खोज किया और कैसे जो चक्के होते हैं, जो पहिए होते हैं, वो कैसे उन लोगों ने यूज़ में लगाया व्यवहार में. रुइंस ऑफ एसेस फाउंड इन द केव्स ऑफ प्रिमिटिव मैन इन कुरुनी इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में एक गुफा में कुछ राख मिले हैं, ऐसे से यानी राख मिले हैं. जो गांव है उसका नाम है कुरुनी. दक्षिण भारत के गुफा में ऐसे राख मिले हैं कुछ. इंडिकेट दैट दे वेर फैमिलियर विथ फायर, ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो है फैमिली के साथ यहाँ पे रहते थे तब जो है वो आग का इस्तेमाल करते थे. एज पर हिस्टोरियंस अप्रोक्सीमेटली 11,000 ईयर्स एगो, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में 11,000 पुराना है. ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर, जो मनुष्य है उन्होंने आग का इस्तेमाल शुरू किया था. यूज ऑफ फायर हैड रेवोल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ बिकॉज विद द हेल्प, जो फायर था उसका यूज़ जो था वो अपने ज़िंदगी जीने के लिए उसके मदद के लिए करते थे. इफ़ दे कुड कुक द मीट एंड ईट, वो खाना भी बनाते थे और मांस भी खाते थे खाने के लिए. गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, आप जानते हो कि जंगल में अगर आग लग जाए तो आग को देख के जो होते जो जानवर होते हैं वो भाग जाते हैं. तो जो लाइट्स था वो देख जो होता था लाइट्स, वो लाइट्स जो होते थे वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर अपने प्रोटेक्ट के लिए उन लोग इस्तेमाल करते थे ताकि उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे. अब हम लोग डिस्कस देखो. इवन टूडे इट इज़ पॉसिबल टू थिंक अबाउट आवर लाइफ विदाउट फायर, अब अभी कम इस्तेमाल अभी हम सोच भी नहीं सकते कि आग के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, क्योंकि आग नहीं होंगे तो हम खाना कैसे बनाएंगे. रेडी. इनिशियली डिस्कवरी ऑफ व्हील वुड हैव फॉर विच चेंजेस ह्यूमन लाइफ, ये जो खोज है व्हील की ये हमारी ज़िंदगी में क्या अलग चेंजेस आए हैं. अदर देन फायर व्हील ऑल्सो रेगुलराइज देयर फायर, दे लर्न इज मेक्स फेड देन ट्री ट्रंक थिक वुड. फायर के लिए उन लोग क्या इस्तेमाल करते थे, रेवोल्यूशनाइज्ड जो है वो फायर के दौरान ही हुआ था. व्हील का जो व्हील थे उसके जो जो थिक वुड होते थे, जो पतले वुड होते थे वो जो होते थे उससे उन लोग आग जलाते थे. चेंजिंग एनवायरनमेंट, पर्यावरण में कैसा बदलाव लाया. अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वॉज अ विड स्पेयर चेंज द एटमोसफियर ऑफ द वर्ल्ड, 12,000 साल पहले जो वातावरण है दुनिया में चेंज हो गया था ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसके बदले में क्या जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, इंक्रीज यानी ज़्यादा तापमान ज़्यादा हो गया था. वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन मेनी ईयर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वेजिटेशन और जो ग्रास फील्ड थे वो शुरू हो गया था ग्रो करना बहुत सारे जगह में. एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स हर्बिवियर्स लाइक डियर सेब गोट इंक्रीज, प्रिमिटिव मैन सर्टनली गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट.
जैसे ग्रास ग्रो होने लगे, जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे जो शाकाहारी होते हैं, जैसे डियर, शीप, गोट, इन लोग जो होते हैं, ये जो जानवर होते हैं बेसिकली, ये इसको हम लोग उसमें भी पालते हैं, जैसे कि हमारे पेट हो, ऐसा डोमेस्टिक्स एनिमल्स में गिने जाते हैं। तो ये जो है, ये सब एनिमल्स जो वो घास खाना शुरू कर लगे और ये बढ़ने लगे, तो प्रिमिटिव मैन जो है उन लोगों इनका फ़ायदा उठाने लगे, जो आदि मानव थे वो इनका फ़ायदा उठाने लगे। दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स, उन लोगों ने इस जानवर से शुरुआत किया। बिहेवियर एंड दस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड, उनके जो बिहेवियर थे वो बढ़ने लगे और ये शुरू हुआ। दे केम अ कॉन्टैक्ट विद ग्रास ट्रीज वेजिटेशन एज वेल व्हीट बार्ली एंड अदर ग्रेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे वातावरण चेंज होता गया, वैसे वैसे वेजिटेबल्स जो थे, वेजिटेशन जो थे, व्हीट बार्ली ग्रेन ट्रीज, ये सब जो है उन लोग उगाने लगे, उनके संपर्क में आने लगे, कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में आना। बाई यूजिंग स्टोन्स वुमेन मैन चिल्ड्रेन कलेक्टेड ग्रेन्स, स्टोन उन लोग जो है इकट्ठा करने लगे ग्रेन्स को रखने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियस इंस्टिंक्ट, क्योंकि उसको जो है एक जगह रखना था, उसके लिए उन लोग वो सब इकट्ठा करने लगे। स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया, धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर इंडिया में चालू हो गया। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन टू ग्रो ग्रेन्स, पीपल जो है, जो लोग थे उन लोग पत्थर का इस्तेमाल करने लगे जो है फसल को उगाने के लिए। दे स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स नियर द बैंक्स रिवर्स एंड कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेज मेड अप ऑफ मड थच एंड अदर मटेरियल्स इन नियर बाई द एरियाज, उनके जो आसपास के इलाका था, जैसे रिवर्स था, रिवर बैंक्स था, और घर के आजू बाजू में जो मिट्टी वाले इलाका था उसमें उन लोगों ने जो है खेती शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर रोमाइड लाइफ केम टू एन एंड फैमिलियर विथ सिप, एज अ रिजल्ट इफ देयर नोमैडिक लाइफ केम ऑफ एन एंड स्टार्टेड स्टेटल लाइफ। अब जो है इसका परिणाम क्या हुआ, उन लोग ने जो है एक नॉर्मल लाइफ जो है उसके साथ उन लोग अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। द फर्स्ट कंपनी एंड अ फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज अ डॉग, फर्स्ट जो है उन लोग जो है कुत्ते के साथ उन लोगों ने दोस्ती रखी, उनके साथ रहने लगे। बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फेमिलियर विथ सीप, फिर उसके साथ जो है वो साथ में सीप, गोट, काउ, बफेलो, पिग एट्सेट्रा भी साथ में रखने लगे, पालने लगे। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एडजस्टिंग देम टू, उन लोगों ने शुरुआत कर दी उन लोगों के साथ रहना। दीज एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ये जो एनिमल्स थे वो उन लोगों को जंगली जानवरों से बचाते थे। दस दे एसोसिएट विथ एनिमल हस्बेंडरी ऑल्सो एलोंग विथ द फार्मिंग, उन लोग ऐसे करते करते जो है जानवर भी पालने लगे, इसमें जुड़ गए खेती बाड़ी के साथ। हाउ एवर रिसर्च इज बींग कैरिड आउट ऑफ फाइंड हाउ लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स गेट मिल, उन लोगों ने ये रिसर्च किया कि जितने सारे एनिमल्स हैं इन लोगों में से कौन से एनिमल्स है जो ज़्यादा दूध दे सकता है, वो भी इन लोगों ने ये खोज भी निकाला। अब देखो यहाँ मेहरागढ़ का एक फ़ोटो दिया है, इस फोटो में देखो क्या है, क्रॉप्स हैव टू हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन्स आर रेडी, जो क्रॉप्स थे फूड ग्रेन्स वो रेडी हो गए, जो बिगिनिंग दे थे इंडिया, मतलब प्रोसेस टू द बिगिनिंग एंड सेटल्ड लाइफ इंडिया also started making earthen pots of the storage grains, उन लोग अब जो है कुछ मिट्टी के जो है बर्तन बनाने लगे उसको रखने के लिए। इंडिया में जो है ये शुरुआत हो गया था, इंसानों ने अपनी ज़िंदगी की जो ज़िंदगी थी वो एक जगह जो है वो शुरुआत कर दी थी। as the wandering if came as an, ये एक आश्चर्यजनक था, इसका होने से ख़त्म होने से पहले देयर वॉज अ वाइड स्पेयर्ड अ चेंज इन देयर फूड हैबिट्स, उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज आ गया फूड हैबिट्स में। क्लॉथेस एंड सेल्टर्ड अलॉन्ग विथ व्हीट बार्ली मीट दे स्टार्टेड ईटिंग फिश फ्यूचर फाउंड नियर अदर
सेटलमेंट्स, उन लोग के ज़िंदगी में बहुत बड़ी जो है चेंजेस आने लगी थी। और उन लोगों ने जो थे, उन लोग जो मीट्स थे और जो फीस थे और बर्डली थे, वीट थे, इन लोग उन लोगों ने खाने का सेवन शुरू कर दिया था की ज़िंदगी में। ही लिव्ड इन हाउसेज मेड ऑफ मड, उन लोग जहाँ पे घर में बे जो है उन लोग रहते थे वो मिट्टी का बना हुआ था। दैट एंड अदर सच मटेरियल्स ही डिड एग्रीकल्चर, ही मेड फार्मिंग इंडिपेंडेंस एंड स्टोन विच इंक्लूडेड स्पेड, वो जो था उनके जो मटेरियल्स थे वो जो थे वो उन लोगों ने इस्तेमाल करने लगे एग्रीकल्चर फील्ड में, अलग अलग से मटेरियल्स यूज करने लगे। क्लासिकल एंड सिकल फॉलोइंग प्लेसेस विद ग्रेन सेल्टर वेपन्स एंड रिमाइंस एंड एनिमल्स हैव बीन फाउंड, उन लोग ऐसे उन लोग चीजल और सिकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अलग अलग प्लेस में जो है उन लोगों ने अपना जगह बनाना शुरू किया जहाँ पर उनको ग्रेन्स और एनिमल्स जो है अच्छे से मिल सके। अब ये टेबल आपको होमवर्क में लिखना है और उसके साथ साथ 20 हार्ड वर्ड्स आपको लिखना है। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड कैटल रेयरिंग फ्रॉम प्लेस लाइक बुर्जुम, हम लोग जो है अभी आपको एक माहिती दे रहे हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे उन लोग रहते थे, जो कैटल रेयरिंग गाय के जो गाड़ी उन लोग थे वो कहाँ था ना, वो जो था गुड़खल गुड़ांगी मेहरागढ़, देखो यहाँ पे दिखाया है लांघा जी एंड भीमबेटका विद वेयर द डिस्कवर्ड बाय द आर्कोलॉजिस्ट, लांघा जी और जो भीमबेटका है वो प्रत्नतत्वविद के लिए शुरू हुआ था। तो आज जो है आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है बेटा। होमवर्क में 25 हार्ड वर्ड्स, उसके बाद ये टेबल और जो है चेंजिंग एनवायरमेंट, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड विल एंड देयर यूजेस, ये दो आपको 2 times होमवर्क में मुझे बताना है। तो गुड बाय ऑल, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे